हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एजुकेशन चैनल। तो दोस्तों, बात करेंगे आरआरबी जेई 2 जून 3rd शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन और पेपर एनालिसिस के। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को, आज कुछ नया सीख लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पेपर ओवरव्यू का, ठीक है। तो पेपर लेवल की बात करें दोस्तों, पेपर लेवल था आपका मॉडरेट, ओके, और गुड अटेम्प्ट आपको माना जाएगा 60+, ओके, और एक्यूरेसी आपकी मानी जाएगी 90% से ऊपर। तो आपका CBT1 क्लियर हो जाएगा बिल्कुल इजी तरीके से। आप क्वेश्चन को देख लेते हैं, स्किप नहीं करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा क्या क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, सानिया मिर्जा का खेल कौन सा है? टेनिस, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। विटामिन फॉर ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट के लिए जो आपका रक्त का थक्का बनता है, विटामिन के जो भी होता है, इसका रासायनिक नेम आपको कॉमेंट करना है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस ओम में, तो करंट मेन इसका आंसर हो जाएगा, ओके। ओम किसका मात्रक होता है आपको कमेंट करना है। वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, किसमें जाता है? अर्थ में। और मून का क्या होता है आपको कमेंट करना है। फिश लीवर में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए होता है। विटामिन ए का रासायनिक नेम आपको कमेंट करना है। फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच कंट्री, मींस फीफा वर्ल्ड कहां हुआ? तो फीफा वर्ल्ड कप आपका रूस में हुआ था। विनर और उप विजेता आपको कमेंट करना है। 3 क्वेश्चन सीरीज से पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपके सीटिंग अरेंजमेंट से और 1 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से और रेशियो कैलकुलेशन से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? तो यहाँ पर आपको कमेंट करना है। किस संविधान संशोधन किया है? इससे पहले 1 क्वेश्चन बना था, कब बना, है ना। तो ओड वन आउट से 2 क्वेश्चन बने हैं, एनोरोबी से 2 क्वेश्चन बने हैं। कार्बन आउटर मोस्ट सेल How many valence electron? तो 4 होते हैं, ओके? वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, और भी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, एलॉय और कंपाउंड एलिमेंट से एक एक क्वेश्चन बना है, और बर्निंग ऑफ कोल से एक क्वेश्चन पूछा गया है, और एक क्वेश्चन डीजल से भी पूछा गया है। एटमोस्फेयर गैस से प्रश्न बना है, और 2018 एशिया गेम कहाँ हुई? जकार्ता, इंडोनेशिया। तो सबसे ज्यादा पदक किसने जीता कमेंट करें। पेप्सी एंड एंजाइम किससे निकलता है वो आपको कमेंट करना है। एक ये देखिए नंबर से लीजिए 3, 7, 23, शायद ये हो सकता है 3, 4, 7 और 7, 16, 23, तो समझ गए होंगे स्क्वायर वाला, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट होगा 6 का स्क्वायर, तो आपको बनेगा 36, और 23 में 36 को जोड़ देंगे तो 6, 3, 9, 3, 2, 5, 59 इसका आंसर होना चाहिए कुछ, यदि ऐसा ही होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट की अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।